मुनव्वर और आयशा का जिस तरीके से बिग बॉस के घर में एक एंगल चल रहा है, इस पर एक बार फिर से नाजला का रिएक्शन सामने आ चुका है। क्या कुछ कहा है नाजला ने, चलिए जानते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं कोमल और आप अपना चैनल देख रहे हैं फीफा फोर्स। वेल, बिग बॉस के घर में हम देख रहे हैं कि मुनव्वर और आयशा एक दिन तो रोते धोते नजर आए, एक ने एलिगेशन लगाए, एक ने रोना धोना का ड्रामा किया, लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में तो यहाँ पर हमें बाबू सोना ही देखने को मिल रहा है। अब ये देखकर तो जनता भी कंफ्यूज है। अब ऐसे में वो आयशा जो नाजला नाजला कर रही थी, वो भी पलटी मारती हुई नजर आई, वो मुनव्वर की केयर करती हुई नजर आ रही है, खाना खिलाती हुई नजर आ रही है, कपड़े प्रेस करती हुई नजर आ रही है, हेयर कट कर रही है, हेयर कलर कर रही है। तब इतनी सारी चीजें आयशा कर रही है तो नाजला को लेकर जो आयशा ने पलटी मारी है, वेल वाकई में मतलब वो बार बार बोल रही थी कि मुझे उसको लेकर कंसर्न है, मुझे उसको लेकर कंसर्न है। कहां गया कंसर्न आपका? तो यहां पर अब ये सारा नजारा देखकर नाजला ने यहां पर लाइव आकर तो खुलासा भी किया था डबल डेटिंग को लेकर। अब इसके बाद एक और पोस्ट शेयर किया है उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर, जहां उन्होंने अपनी प्यारी सी पिक्चर को शेयर किया है और इसी के साथ लिखा है, इफ आई मे जस्ट टेक योर ब्रीद अवे। अब ऐसे में ये स्टेटस से कई सारे सवाल खड़े होते हैं। अब यहां पर लोग हैं तरह तरह के अपनी अजम्पशंस लगा रहे हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा कि बिग बॉस के घर में नाजला कब आती है और मुनव्वर और नाजला का आमना सामना कब होता है। वेल, क्या कहना है बिग बॉस में नाजला और आयशा और यहाँ पर जो है मुनव्वर की लव स्टोरी को लेकर जो ये लव ट्रायंगल है, इस पर क्या है आपका मानना, आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बिग बॉस से रिलेटेड अपडेट्स को जानने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।